एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रिएक्शन इंडिया में। और इस वीडियो में मेरे साथ हैं अनुजा। हेलो। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है वंडर ऑफ सिलहट ब्यूटीफुल बांग्लादेश ट्रैवल फिल्म। तो एक वीडियो है जिसका टाइटल है वंडर ऑफ सिलहट। तो चलिए देखते हैं सिलहट वीडियो पे। हम पहले भी एक बार रिएक्शन दे चुके हैं और काफी खूबसूरत हमें लगा था। और ध्यान चौधरी की वीडियो पे भी लगातार हम रिएक्शन दे रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। उनकी वीडियो कितनी लाजवाब होती है और उनका कैमरा एंगल वगैरह वगैरह। तो आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो रिएक्शन शुरू करते हैं वीडियो। ओके, ड्रोन चाय भी पीती है क्या? चाय बाबा नहीं लग रहा है। इसको क्या बोलते हैं? ये भी आप हमें बताना का मन करते हैं। ये वहाँ कोई कल्चरल डांस है क्या लग रहा है ना? कुछ वैसा क्या होगा जो वहाँ से पूरी कक्ष करते आ रहे हैं। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. मुझे तो ऐसा लगा ना वीडियो देख के, सिर्फ और सिर्फ इतना लगा कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें और ना ही खुद से बनाया हुआ कुछ है, सिर्फ नेचर है और उसी नेचर को दिखाया है। बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया, मतलब कितने सारे चाय बागान है, लोग अपना वहां से घर चलाते होंगे उसको, मतलब खेती करते हैं उस चीज की और देश विदेश में इसको पहुंचाते होंगे। और देश विदेशी मामले में बांग्लादेश तो भाई फिर तो ऊपर ही है वो, क्योंकि इतनी सारी चीजें वहां पे होती, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, इतने बड़े बड़े कंपनी, सब कुछ तो है। बात करें या कुछ भी, मतलब किसी चीज की बात ज्यादा, तो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है वहां पे किया हुआ है। तो जो ये वीडियो इन्होंने डाला है उसमें नेचर को ही ज्यादा दर्शाया गया है, क्योंकि सिलेट में ना नेचर ही है देखने लायक। इससे पहले भी जो हमने वीडियो देखी थी ना उसमें भी मतलब नेचर को काफी ज्यादा मतलब प्रमोट किया था, दिखाया गया था, क्योंकि काफी रिच है ये नेचर के हिसाब से सिलेट। और बाकी कुछ फैमिली का दिखाया वहाँ की, वहाँ लोग रहते हैं, बाकी खेती वगैरह करते हैं। और जिसे हम लोग बोल रहे हैं कि वहाँ का कल्चरल कुछ है करके, है भी नहीं है, क्या है ये आप हमें बताओ। अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप जरूर बताना, क्योंकि हमसे वीडियो देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा कुछ हम कभी गए नहीं है या विजिट नहीं किया है जो हमें मतलब पूरी श्योरिटी हो जाएगी हाँ ऐसा ही है करके। बिल्कुल, लेकिन जितना वीडियो देखा उतना काफी ज्यादा अच्छा लगा, यूनिक भी है। और चाय की खेती वगैरह आप लोगों ने देखी। और ना सबसे बड़ी बात मुझे तो ना वहाँ पे सिर्फ इतना लगा ना कि कितना सुकून भरी जगह, मतलब कितना ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, मिलेगा वहाँ जाके ना ग्रीनरी बहुत ज्यादा है इसलिए। और नेचर के, अगर आप नेचर के साथ में जाते तो आपको अटैचमेंट खुद ही ज्यादा बढ़ जाती है उससे, यू नो होता ही है।
तो हमें तो काफी पसंद आई वीडियो, आप लोगों को काफी अच्छा लगा हमें वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना। एक छोटी सी वीडियो थी वैसे तो, लेकिन बस दिखाने की कोशिश की गई है कि सिलहट की जो खूबसूरती है वो क्या है और बांग्लादेश में सिलहट जो है वो कितनी महत्वता रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, तो जैसे हमें अच्छा लगा वैसे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करना, और अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ध्यान चौधरी जो लगातार मतलब इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक लाते रहते हैं, इनके चैनल को भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको वहां से एक अच्छे सा नेचर वाइज और अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलेगी बेसिकली कि क्या चीज कहाँ पर है, क्या चीज इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है ना। और बांग्लादेश को मुझे लगता है जैसे हम लोग बांग्लादेश को अभी बोल रहे हैं उसके बारे में बात करें, मुझे मे भी लग रहा है कि वो भी बांग्लादेश की चीजों को अभी ना फोकस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो इसके लिए तो सैल्यूट है भाई उनको। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।